हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे। हमने पनीर भी खत्म कर लिया और दाल भी खत्म कर लिया। अब हम देखेंगे दाल के बाद पराठे कैसे बनाते हैं। आज हम तीन तरह के पराठे बनाना सीखेंगे, प्लेन लच्छा पराठा, मसाला लच्छा पराठा और बच्चों का पसंदीदा चीज पराठा। तो आइए इसके इंग्रीडियंट्स देखते हैं। पहले हम बेसिक डो बनाएंगे। बेसिक डो बनाने के लिए मैंने ये 2.5 कप आटा लिया है। उसमें मैं नमक डालूंगी टेस्ट के अकॉर्डिंग थोड़ा सा, और 1.5 चम्मच के करीब हम डालेंगे रिफाइंड, और इसको एक सॉफ्ट डो कंसिस्टेंसी तक हम गूंथ लेंगे। ये देखिए हमारा डो ऑलमोस्ट रेडी है। हमें सॉफ्ट डो चाहिए, ना बहुत गीला चाहिए और ना बहुत टाइट चाहिए। तो आप ऐसे हल्का हल्का पानी लगा लगा के इसको खूब अच्छे से मले। आटा जितना अच्छा मला जाएगा आपके पराठे उतने ही सॉफ्ट और फ्लफी बनेंगे। ये देखिए हमारा सॉफ्ट डो बनके बिल्कुल तैयार है। ये देखिए बहुत ही सॉफ्ट है। अब हम इसे ढक के 10-15 मिनट के लिए रख देते हैं। जब तक डो रेस्ट कर रहा है हम अपना मसाला पराठे के इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं। ये मैंने लिया है 1 चम्मच के करीब सांभर मसाला। अगर आप नहीं डालना चाहते तो ना डालें, पर इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है। ये है 1 चम्मच चाट मसाला, थोड़ी सी लाल मिर्च डालेंगे हम, और डालेंगे थोड़ा सा गरम मसाला। गरम मसाला आधी छोटी चम्मच के लगभग डालेंगे हम। हम आटे में ऑलरेडी नमक डाल चुके हैं इसलिए, और चाट मसाले में भी नमक होता है इसलिए इसमें बहुत थोड़ा सा नमक डालेंगे हम इस मिक्सचर में। और ये हम डालेंगे अपना 1 चम्मच के अराउंड धनिया पाउडर। ये देखिए ये जो हमारा फिलिंग है, ये हमारा मसाला लच्छा पराठे की फिलिंग है। इसके साथ चाहिए हमें कसूरी मेथी। अगर आपको कसूरी मेथी पसंद नहीं है तो आप इसकी जगह धनिया यूज कर सकते हैं। चलिए हम देखते हैं हमें अपना पराठा कैसे बनाना है। हम एक ऐसे आटे का पेड़ा तोड़ेंगे, थोड़ा सा बड़ा लेंगे क्योंकि हम लच्छा पराठा बना रहे हैं, तो नॉर्मल जो हम पराठा बनाते हैं उससे थोड़ा बड़ा पेड़ा लेंगे, और उसको नॉर्मल जैसे हम अपना रोटी पराठा कुछ भी बनाते हैं वैसे थोड़ा बड़े साइज का अच्छे से बेल लेंगे। ये देखिए पूरा अच्छे से हमने ये बड़े साइज का बेल लिया है। अब हम इस पे लगाएंगे घी। आप घी की जगह बटर भी यूज कर सकते हैं। ये हमने इस पे अच्छे से जेनरसली घी लगाएंगे। घी लगाने में कंजूसी नहीं करेंगे हम, नहीं तो हमारे लच्छा पराठे में लेयर्स अच्छे से निकल के नहीं आएंगी। और उसके बाद ये जो हमने अपना मिक्सचर बनाया है ये हम इसके ऊपर डालेंगे। मैंने अपने पराठे पे घी लगा दिया है, फिर ये जो हमने मिक्सचर तैयार किया था इसको बहुत अच्छे से इस पे हम स्प्रिंकल कर देंगे सब तरफ, कि ये सब तरफ अच्छे से कवर हो जाए। अच्छे से स्प्रिंकल कर देंगे हम, और इसके ऊपर हम डालेंगे ये हमारी कसूरी मेथी, वो भी सब तरफ स्प्रेड करते हुए हम लगाएंगे। अब इसको देखिए हमें फोल्ड कैसे करना है। जैसे हम फैन फोल्ड करते थे बचपन में, ऐसे ये देखिए फैन की तरह हम अपना ये जो हमने पराठा बनाया है इसको फोल्ड करेंगे। ये देखिए ऐसे फैन की तरह फोल्ड करेंगे और हल्के हाथ से प्रेस करते जाएंगे जिससे वो आटा एक दूसरे से स्टिक हो जाए। ये देखिए फिर से ऐसे ही, और इसको ऐसे उठा के हम ऐसे कर देंगे। ये देखिए ये ऐसे बन गई। इसको ऐसे करके हम ये वाली जो लेयर है इस पे भी थोड़ा सा घी ऐसे ब्रश करेंगे, और बीच में ऐसे फिंगर लगा के इसको अपने फिंगर के चारों तरफ रोल करेंगे, और ये जो दूसरा एंड है इसको ऐसे बीच में स्टफ कर देंगे। ये देखिए ऐसे बन जाएगा हमारा पेड़ा। अब फिर इस पे ड्राई आटा डस्ट कर नॉर्मल बेल लेंगे हम, जैसे हम अपना रोटी पराठा कुछ भी बेलते हैं
वैसे बेल लेंगे। ये देखिए अभी से इसमें आपको लेयर्स दिख रही होंगी, ये देखिए बीच में से लेयर्स अलग हो रही हैं। और इस वाले पराठे को हम बहुत पतला नहीं बेलेंगे और मीडियम हीट पे इसको हम सेकेंगे, ये हमने तवा ऑलरेडी गर्म कर रखा है और मीडियम गैस पे हम इसको सेकेंगे। देखिए एक दो मिनट हमने एक तरफ से अपना पराठा पका लिया है, अब हम इसको टर्न करेंगे और मीडियम गैस पे इधर ऐसे ही घी ब्रश करेंगे हम अपने पराठे पे। आप अगर घी नहीं खाते हैं तो आप रिफाइंड में भी ये पराठा बना सकते हैं। और पराठे को हम मीडियम फ्लेम पे ही सेकेंगे, हाई फ्लेम पे नहीं सेकेंगे। ये देखिए पलटने के बाद पराठा इधर भी हम घी ब्रश कर देंगे। ये देखिए और अब इसको ऐसे सब तरफ से दबा दबा के अच्छे से हम अपने पराठे को क्रिस्प कर लेंगे। जैसे जैसे सिकता जाएगा इसकी ये लेयर्स आपको अलग होती हुई दिखने लगेंगी। ये देखिए यहाँ से अलग होने लगी इसकी लेयर सेंटर से भी, और ये देखिए यहाँ से भी। मेथी नहीं खाते हैं आप तो इसमें धनिया डाल सकते हैं, वाइट तिल जो आता है वो डाल सकते हैं, कुछ भी डाल सकते हैं। और अगर आपको कुछ भी नहीं डालना है तो बस ये वाला जो हमने मसाला प्रिपेयर करा है ये वाला मसाला डाल के भी आप इस पराठे को बना सकते हैं। ये देखिए इस तरफ से देखिए कितनी लेयर्स दिख रही है पराठे की। जितना आप इसमें घी डालेंगे पराठे में उतनी लेयर्स इसकी अलग होती चली जाएंगी और मेथी की वजह से बहुत अच्छी स्मेल भी आ रही है पराठे में से। ये देखिए हमारा पराठा ऑलमोस्ट बनके रेडी है, थोड़ा सा और सेकेंगे हम जिससे कहीं भी कच्चापन ना रहे पराठे में। और फिर एक प्लेट में हम इसको निकाल लेंगे। ये देखिए कितने अच्छे से सिकाया हमारा पराठा। ये हमने बनाया है अपना लच्छा मसाला पराठा। अब आइए देखते हैं हम नॉर्मल लच्छा पराठा कैसे बनाते हैं। ऐसे ही हम पहले की तरह फिर से एक आटे का पेड़ा लेंगे और ड्राई आटा इस पर डस्ट करके इसको अपना नॉर्मल रोटी की तरह बेल लेंगे हम अच्छे से। और जब ये रोटी अच्छे से हमारी पूरी बेल जाएगी तो हम इसके ऊपर घी ब्रश करेंगे। ये देखिए घी लगाएंगे और फिर से वो फैन फोल्ड करते हुए, ये देखिए फैन फोल्ड करते हुए हम इसको रोल करेंगे फिर से। ये देखिए और इसको ऐसे करके इस वाली स्ट्रिप पे फिर से घी लगाएंगे और पहले की तरह फिंगर बीच में रख के फिंगर के चारों तरफ इसको लपेटेंगे और ये जो दूसरा एंड है इसको ऐसे बीच में स्टफ कर देंगे। ये देखिए अब ड्राई आटा इस पर डस्ट कर लिया है हमने और इसको फिर से हम अपना नॉर्मल जैसे बेलते हैं। ये देखिए अभी से कितनी सारी लेयर्स दिख रही हैं आपको, इसमें नॉर्मल जैसे हम बेलते हैं वैसे इसको बेल लेंगे। पराठा भी हम मीडियम फ्लेम पे सेकेंगे एक दो मिनट। जब एक साइड से हमारा पराठा पक जाएगा फिर हम इसको टर्न करके और इस पर घी लगाएंगे। ये देखिए हमारा एक तरफ से सिक गया है, अब हम इसको टर्न करके इस पर घी लगाएंगे। टर्न करके दूसरी साइड भी घी लगाएंगे हम। और वैसे ही दबा दबा के इसको सेकेंगे। ये देखिए आपको यहां से ये लेयर्स दिख रही है, ये देखिए। तो जितने पतले आप इसमें फोल्ड्स करेंगे आपको उतनी लेयर्स मिलेंगी।
ये देखिए हमारा नॉर्मल लच्छा पराठा भी बन के तैयार है। तो हमने नॉर्मल लच्छा पराठा बनाया है और मसाला लच्छा पराठा बनाया है। अब हम बनाएंगे बच्चों का पसंदीदा चीज पराठा। तो देखें उसके लिए हमें क्या क्या चाहिए। पराठा के लिए मैंने ये ग्रेटेड चीज लिया है, इसमें थोड़ी सी काली मिर्च, ये चिली फ्लेक्स, अगर आपके पास चिली फ्लेक्स नहीं है तो आप नॉर्मल लाल मिर्च भी डाल सकते हैं, और ये थोड़ा सा ओरिगैनो डालेंगे हम। नमक हमने ऑलरेडी आटे में डाल रखा है और चीज में भी नमक होता है, तो नमक हम नहीं डालेंगे और इसको मिक्स कर लेंगे। ये फिलिंग हम अपने आटे में फिल करेंगे। जैसे हमेशा हम अपने पराठा बनाने से पहले पेड़ा लेते हैं, वैसे पेड़ा लेंगे और उसको ऐसे थोड़ा सा रोल करेंगे और ये ऐसे कटोरी शेप बना के, जैसे कुछ भी हम अपना आलू का पराठा या गोभी का पराठा स्टफ करते हैं वो स्टफ करेंगे। और इसमें जितना चीज जाएगा ये पराठा उतना अच्छा लगेगा। तो डाइट कॉन्शियस लोग इस पराठे को ना बनाएं, और ऐसे फोल्ड करते हुए हम इसको बंद करेंगे और ऊपर का ये जो एक्सेस आटा है ये हम हटा देंगे। ये देखिए ऊपर का एक्सेस आटा हमने हटा दिया। अब इसको ऐसे ही हाथ से थोड़ा स्प्रेड करेंगे जिससे चीज हमारे लोई में अच्छे से सब तरफ स्प्रेड हो जाए। और उसके बाद फिर से ड्राई फ्लावर डस्ट करके हम इसको बेल लेंगे। इसमें जितना ज्यादा आप चीज भरेंगे ये पराठा उतना टेस्टी लगेगा। इसको भी वही हम मीडियम गैस पे सेकेंगे। ये देखिए मीडियम गैस पे हमने अपना पराठा डाल दिया। अब जब पराठा एक दो मिनट एक साइड पे सिक जाएगा फिर हम इसको पलटेंगे। एक तरफ पराठा हमारा एक तरफ से हल्का सा पक गया है, हम इसको पलट देंगे और इस पे घी लगाएंगे। आप घी की जगह बटर, रिफाइंड किसी भी चीज का यूज कर सकते हैं। अब ऐसे ही पलट के दूसरी तरफ भी हम घी लगाएंगे। ये देखिए चीज जैसे जैसे उसमें मेल्ट होगा हमारा पराठा फूलेगा। ये देखिए फूलना शुरू हो गया पराठा। ये देखिए कितने बढ़िया से फूल रहा है हमारा पराठा। ये चीज मेल्ट हो रहा है अंदर पराठे में। अब इसको पलट के दूसरी तरफ से भी हम सेक लेंगे। ये पराठे बच्चों को बहुत ही पसंद आते हैं। अगर कोई सब्जी नहीं है तो आप बच्चों को ये पराठा बना के दे सकते हैं, बच्चे बहुत खुशी खुशी खा लेंगे। और अगर आपके बच्चे सब्जी खाते हैं तो आप इसी चीज में सारी सब्जियां भी ग्रेट करके डाल सकते हैं। ये देखिए कितना बढ़िया फूल रहा है हमारा पराठा। ये देखिए कैसे फूल रहा है। इसको भी मीडियम फ्लेम पे अच्छे से क्रिस्प होने तक हम पकाएंगे। ये देखिए कितना अच्छे से सिका इस तरफ से। दूसरी तरफ से भी ऐसे ही दबा दबा के हम अपना पराठा सेक लेंगे। देखिए हमारा मसाला लच्छा पराठा और प्लेन लच्छा पराठा बनके कितना अच्छा लग रहा है। और ये देखिए आप देख पा रहे होंगे इसमें कैसे लेयर्स अलग हो रही हैं हमारे पराठों में। और ऐसे ही हमने बनाया है अपना ये चीज पराठा। ये देखिए चीज पराठा भी बनके बिल्कुल रेडी है। और अगर आप इसे खोल के देखेंगे ये देखिए कितने अच्छे से इसमें चीज मेल्ट हुआ है। आप चीज की क्वांटिटी अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं, पर ज्यादा चीज वाला पराठा ही अच्छा लगता है। अगर आपको मेरे पराठों की रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करिए। थैंक यू।